मुस्लिम देशों में लगातार भारत की धाक बढ़ रही है। संयुक्त अरब अमीरात से लेकर सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, जॉर्डन और इराक जैसे देश पीएम मोदी से दोस्ती के कायल हैं। इसकी तस्वीर दुनिया एक बार नहीं कई बार देख चुकी है। मुस्लिम देशों में भी पीएम मोदी का शाही स्वागत होता है। इन देशों के प्रिंस खुद एयरपोर्ट पर भारतीय प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए पहुंचे हैं। दुनिया के बड़े बड़े देशों ने भारत के प्रधानमंत्री को अपने सर्वोच्च सम्मान से नवाजा है। 3 अप्रैल 2016 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सऊदी अरब के सर्वोच्च नागरिक सम्मान किंग अब्दुल अजीज सेश से सम्मानित किया गया था। 10 फरवरी 2018 पीएम मोदी को ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ पैलेस्टीन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 12 अप्रैल 2019 रूस ने पीएम मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोसल से सम्मानित किया था। 24 अगस्त 2019 संयुक्त अरब अमीरात ने भी मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ जायद से सम्मानित किया था। 25 अगस्त 2019 बहरीन ने अपने सर्वोच्च सम्मान द किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनेसांस से पीएम मोदी को सम्मानित किया। 22 दिसंबर 2020 अमेरिका का सर्वोच्च सैन्य सम्मान लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार से सम्मानित किया था। 25 जून 2023 इजिप्ट ने पीएम मोदी को अपने सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया था। मोदी एक ग्लोबल लीडर है और ग्लोबल लीडर की यह जिम्मेदारी बनती है कि वो दुनिया के किसी भी कोने में पैदा हुए संकट के समाधान की दिशा में प्रयास करे। दुनिया में इस वक्त दो मोर्चों पर युद्ध चल रहा है। रूस और यूक्रेन के बीच लंबे समय से युद्ध चल रहा है जिसमें दोनों देशों को भारी नुकसान हो रहा है। इसी तरह इसराइल और हमास के बीच जंग छिड़ी हुई है। यहां भी चारों तरफ बर्बादी नजर आ रही है। इन दोनों की जंग को लेकर भारत ने तटस्थ रुख अपनाया है। दोनों जंग को लेकर भारत ने शांतिपूर्ण समाधान की बात कही और बातचीत से समस्या का समाधान करने का रास्ता दिखाया। मोदी की विदेश नीति को अगर आप गौर से देखें तो पाएंगे कि वसुधैव कुटुंबकम का यह सिद्धांत ही आचरण के मूल में है। सहायता करते समय भारत शत्रु और मित्र में भेद नहीं करता और यही बात भारत को महान बनाती है, पीएम मोदी को वर्ल्ड लीडर बनाती है। ग्लोबल लीडर पीएम मोदी की दुनिया दीवानी है। सुपर पावर अमेरिका भारत के साथ साझेदारी बढ़ा रहा है तो दुनिया के बाकी देश भी पीएम मोदी के नेतृत्व की तारीफ करते नहीं थक रहे। भारत के बढ़ते कद और भारत के प्रधानमंत्री की बढ़ती धाक से एक बात तय है कि मोदी सबको चाहिए। पश्चिमी देश हो या मिडिल ईस्ट, मोदी सबके फेवरेट हैं और उनकी यही छवि उन्हें ग्लोबल लीडर बनाती है। जून 2023 में ग्लोबल लीडर्स की अप्रूवल रेटिंग लिस्ट जारी हुई थी। ग्लोबल लीडर्स की इस लिस्ट में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले नंबर पर थे। अब मैं आपको ग्लोबल लीडर्स की अप्रूवल रेटिंग लिस्ट दिखाता हूं। ग्लोबल लीडर्स की अप्रूवल रेटिंग लिस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 76% अप्रूवल रेटिंग के साथ पहले नंबर पर हैं। यानी मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। मेक्सिको के प्रेसिडेंट एंड्रेस मैनुअल लोपेज 66% अप्रूवल रेटिंग के साथ दूसरे स्थान पर हैं। लिस्ट में स्विट्जरलैंड के प्रेसिडेंट एलन बोसेट 58% अप्रूवल रेटिंग के साथ तीसरे स्थान पर हैं। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा 49% अप्रूवल रेटिंग के साथ चौथे नंबर पर है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज 47% की अप्रूवल रेटिंग के साथ पांचवें स्थान पर रहे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन 37% अप्रूवल रेटिंग के साथ आठवें स्थान पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में बीजेपी की जीत के सूत्रधार हैं। विकास का सबसे बड़ा चेहरा है। दुनिया के लिए मोदी हर समस्या का समाधान है। मोदी दुनिया को रास्ता दिखा रहे हैं, युद्ध खत्म करने का फॉर्मूला बता रहे हैं, मुश्किल वक्त में दूसरे देशों की मदद कर रहे हैं। इसीलिए दुनिया के देशों को भी अब मोदी की गारंटी पर विश्वास हो रहा है। Z News.